नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, आज हम इतिहास के बारे में बात करेंगे। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पिछले एक महीने में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या हेल्प की आप लोगों की, मज़दूरों की क्या हेल्प की, कितने लोग निकाले गए, कहाँ कहाँ से कितने कितने लोग आए। पूरी डिटेल वाइज बात करेंगे कि एक महीने में क्या है, आगे आपको क्या उम्मीद इससे लग रही है। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। मंत्रालय ने साथियों एक जानकारी आज शेयर की है, पब्लिक डाटा जिसको बोल सकते हो आप, 1,07,000 इंडियन वर्कर को विदेशों से निकाला गया। जी हाँ साथियों, और इससे पहले मैं बता दूं साथियों, 13 जून को मिशन टू वंदे मातरम खत्म हो रहा है, जिसको पेज 3 यानी गवर्नमेंट ने तैयारी कर ली है फ्लाइट से रिलेटेड, जिसमें एयर इंडिया तो है ही है, इसके साथ में एयर एक्सप्रेस है उसको भी इसमें शामिल, दोनों फ्लाइटों शामिल हैं फ्लाइटें। इनके द्वारा 1,07,000 वर्करों को या इंडियन लोगों को इंडिया लाया गया है विदेशों से फंसे हुए। अभी 13 जून में मैं बता दूँ पेज 2 खत्म हो रहा है, पेज 3 कर दिया गया है साथियों। मैं बता दूँ 1 या 2 जुलाई तक जून चल रहा है, ठीक है, और 13 जून को ख़त्म हो जाएगा। 13 जून के बाद में H3 को बढ़ा दिया गया है, जिसमें काफ़ी सारी 300 के करीब फ्लाइटों का शेड्यूल बताया गया है, शेड्यूल बनाया गया है 75 फ्लाइटों का, जिसमें कनाडा और अमेरिका से रिलेटेड सिर्फ 75 फ्लाइटें रहेंगी। आपको याद होगा साथियों, 7 मई से लेकर 13-14 मई तक एक अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 32 कंट्रियों से लगभग 15,000 वर्करों को 172 फ्लाइटों से निकाला गया था। सेकंड बाद में साथियों पेज स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा 16 मई से, जी हाँ साथियों, जो 23-24 मई तक चला था उसके बाद में उसको बढ़ा दिया गया था 13 जून तक। उसके दौरान लगभग 30,000 से 35,000 वर्करों को निकाला गया था। तो आज की डेट तक की बात करें, मैं बता दूं आपको 4 जून तक इसमें मैं बता दूं साथियों 17,485 मजदूर हैं, वर्कर हैं जिनको बोल सकते हो, मात्र और मात्र 17,485 वर्कर ही अब तक पहुंचे हैं एक महीने के दौरान। 11,511 छात्र अभी तक आए गए हैं विदेशों में जो फंसे थे, 11,500 यानी 11,500 छात्र अभी तक इंडिया पहुंचे हैं। 5,633 बिजनेसमैन मान लीजिए या फिर जो प्रोफेशनल आदमी थे उनको लाया गया 5,500 के करीब। आवेदन की बात करूँ तो भाई 3,48,000 प्लस अभी तक आवेदन इंडिया गवर्नमेंट के पास पहुँच चुके हैं, यानी 3.5 लाख आवेदन आए थे, उनमें से 1,07,000 वर्करों को अभी तक इंडियन लोगों को लाया जा चुका है। तो आप देख लीजिए भाई, 2.5 लाख लोग आप पेंडिंग हो अभी इंडिया आने के लिए, आप लोग 2.5 लाख आदमी बैठे हो, 2,50,000 प्लस। सेकंड चरण साथियों मैं बता दूं आपको, जो बता रहा था भाई 13 जून तक जो चलने वाला है उसमें लगभग 38-40 हज़ार लोगों को 350 प्लस फ्लाइटों से लाने की योजना है। उसके बाद पेज 3 चल जाएगा जो 1 जुलाई तक चलेगा। तो साथियों मैंने आपको सिर्फ बायोडाटा बताया कि ये स्थिति है भैया, इस तरह से इतने इतने लोग पहुंचे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस महीने में फ़्लाइटें अभी चालू नहीं होंगी। आज के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन जो पेज 3 बढ़ा दिया है 1 जुलाई तक कर दिया है, तो इस महीने में फ़्लाइटें स्टार्ट नहीं होने वाली। ये दिमाग से निकाल दे, चलो तो कितने ही वीडियो बना लें, मैंने भी आपको बताया था 15 से 20 तारीख के बीच में फ्लाइटें स्टार्ट होने की संभावना है। लेकिन इसका रीजन मैं बता दूं कि अभी फ्लाइटें इंडिया में 25 से 30% घरेलू फ्लाइटें उड़ रही हैं, जिनको जो विदेश मंत्री हैं हरमंदी पुरी साहब ने यह बताया कि भाई हम आने वाले एक हफ्ते में 50% से फ्लाइट करेंगे, 50 से 60% इसको कोटा बढ़ा देंगे। तो ये मान सकते हैं 15 तारीख तक तो वो कोटा बढ़ेगा, तो भाई विदेश वाला फिर कब बढ़ेगा? मुझे नहीं लगता कि इस महीने में फ्लाइट चालू होगी, अगले महीने में नंबर आएगा। ये आप बैड न्यूज समझो या फिर कैसे भी समझो, आपकी मर्जी। वीडियो में जो जानकारी थी मैंने शेयर कर दी, वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक और शेयर तो आप नहीं करोगे क्योंकि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।